Hello everyone, welcome to my YouTube channel Tech Guru. Please click on the like, share and subscribe button. दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लास्ट सेशन में हमने सीखा था कि हम सिस्टम इमेज को ग्राफिकली कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम इमेज को यूजिंग कमांड लाइन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं सबसे पहले विंडो के साथ एक्स की प्रेस करता हूँ। देखो दोस्तों अभी यहाँ पे आ रहा है पावर शेल, तो मुझे यहाँ पे डॉस प्रॉम्प्ट चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ टास्क बार पे, टास्क बार सेटिंग्स। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ रिप्लेस कमांड प्रॉम्प्ट विद द पावर शेल इन द मेन्यू व्हेन आई राइट क्लिक स्टार्ट बटन और प्रेस विंडो लोगो प्लस की प्लस एक्स बटन। तो मैं इसको यहाँ से ऑफ कर देता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ। अब मैं विंडो एक्स की प्रेस करता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आ गया आप कमांड प्रॉम्प्ट। तो आपको ये कमांड प्रॉम्प्ट चाहिए रन एज एडमिनिस्ट्रेटर का, इस प्रॉम्प्ट को आपको यस करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको कमांड के अंदर डेस्टिनेशन की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मेरा जो ड्राइव है, डेस्टिनेशन ड्राइव है, मेरा डी ड्राइव है, यानी कि जो मैं बैकअप क्रिएट करके सेव करूंगा तो मैं वहाँ पे डी ड्राइव का पाथ दूंगा। तो मैं यहाँ पे कमांड टाइप करता हूँ डब्ल्यू बी एडमिन, मैंने टैप प्रेस किया तो यहाँ पे डब्ल्यू बी एडमिन डॉट ई एक्स ही आ गया। दोस्तों ये फाइल होती है जो सिस्टम में विंडोज का बैकअप लेती है यूजिंग कमांड लाइन स्पेस स्टार्ट स्पेस बैकअप स्पेस हाइफन बैकअप टारगेट कॉलन डी ड्राइव स्पेस हाइफन ऑल क्रिटिकल एंटर। देखिए दोस्तों यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि आप बैकअप क्रिएट करना चाहते हैं कि नहीं, तो मैं यहाँ से वाई प्रेस करता हूँ क्रिएट करने के लिए। देखिए दोस्तों मेरा यहाँ पे बैकअप स्टार्ट हो गया है। देखिए दोस्तों यहाँ पे मेरा बैकअप जो था वो कंप्लीट हो गया है। मैं आपको चेक कराता हूँ यहाँ से। तो मैं यहाँ पे कमांड टाइप करता हूँ डब्ल्यू बी एडमिन स्पेस गेट स्पेस वर्जन्स एंटर। देखिए दोस्तों यहाँ पे मुझे बैकअप का टाइम दिखा रहा है 4 अप्रैल 2020 3:48। यहाँ पे मेरा डी ड्राइव में बैकअप सेव हुआ हुआ है और यहाँ पे मैं रिकवर कर सकता हूँ वॉल्यूम को, फाइल्स को, एप्लीकेशंस को, बेयर मेटल रिकवरी और सिस्टम स्टेट को रिकवर कर सकता हूँ। दोस्तों अगर मुझे चेक करना हो कि इसके अंदर मेरे कौन कौन से ड्राइव इंक्लूडेड हैं तो मैं यहाँ पे कमांड टाइप करूंगा डब्ल्यू बी एडमिन स्पेस गेट स्पेस आइटम्स स्पेस हाइफन वर्जन। दोस्तों वर्जन पे आपको यहां से ये वाला आइडेंटिफायर देना है, यहां से कॉलन 04-20-2020-10-18 एंटर। तो देखिए दोस्तों इसके अंदर मेरे सिस्टम में जब पार्टीशन इंक्लूडेड है इस बैकअप के अंदर, जिसको मैं रिकवर कंप्लीटली कर सकता हूँ। साइज उसका 500 MB है। मैं अपने सी ड्राइव को रिकवर कर सकता हूँ फुली रिकवर, जिसका साइज 48.33 GB है और एप्लीकेशन में रजिस्ट्री इंक्लूड होती है। तो जब हम बैकअप लेते हैं सॉफ्टवेयर का तो उसको हम रजिस्ट्री बैकअप भी बोल सकते हैं। अब मैं इसका इंक्रीमेंटल बैकअप लेता हूँ, लेकिन बैकअप लेने से पहले मैं इसमें से एक दो सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर देता हूँ। दोस्तों इंक्रीमेंटल का मतलब होता है चेंजेस का बैकअप। तो मैं यहाँ से कंट्रोल पैनल के अंदर प्रोग्राम एंड फीचर्स में जाके ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो मेरे सिस्टम में इंस्टॉल्ड हैं जिनका भी बैकअप हुआ है। तो मैं यहाँ से कुछ सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर देता हूँ। स्काइप को अनइंस्टॉल कर देता हूँ, मैं यहाँ से केलाइट को अनइंस्टॉल कर देता हूँ। दोस्तों मैं जैसे सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर रहा हूँ, आप इंस्टॉल करने के बाद भी बैकअप ले सकते हैं। अब मैं फिर से यहाँ पे बैकअप करता हूँ यहाँ पे कमांड से डब्ल्यू बी एडमिन स्पेस स्टार्ट स्पेस बैकअप हाइफन बैकअप टारगेट कॉलन डी कॉलन स्पेस ऑल क्रिटिकल स्पेस हाइफन क्वाइट। दोस्तों क्वाइट का मतलब होता है कि मेरे से यस नो कंफर्मेशन नहीं मांगेगा, सीधा मेरी कमांड को डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर देगा। दोस्तों यहाँ पे मेरा डेस्टिनेशन फिर से डी ड्राइव है, तो ये मेरा जो बैकअप हो रहा है ये इंक्रीमेंटल बैकअप हो रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे मेरा बैकअप कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको एक बार कमांड से चेक कराता हूँ कि मेरे सिस्टम में बैकअप कितनी बार पड़ा हुआ है। कमांड है डब्ल्यू बी एडमिन स्पेस गेट स्पेस
वर्जन्स, एंटर। तो देखिए दोस्तों, एक बैकअप मुझे दिखा रहा है कि मेरा 3:48 का पड़ा हुआ है सिस्टम में, और दूसरा बैकअप मेरा 4:01 का बैकअप मेरे सिस्टम में पड़ा हुआ है। अब दोस्तों मान लीजिए कि मुझे अपने सिस्टम में बैकअप के लिए शेड्यूल लगाना है। शेड्यूल का मतलब है कि मुझे विंडोज 10 के अंदर बैकअप का एक पर्टिकुलर टाइमिंग पे बैकअप लेना है, और वो बैकअप अपने आप हो जाए उस टाइमिंग में डेली, उसके लिए मैं शेड्यूल कर दूंगा। दोस्तों शेड्यूल की कमांड सिर्फ विंडोज 10 पे चलती है, विंडोज 7 पे नहीं चलती। दोस्तों कमांड है wp-admin स्पेस इनेबल स्पेस बैकअप स्पेस हाइफन vss फुल हाइफन एड टारगेट कॉलन डी ड्राइव स्पेस हाइफन शेड्यूल कॉलन। दोस्तों जो आप यहाँ पे शेड्यूल देंगे वो AM/PM में नहीं लेता ये। जैसा कि अभी मेरी घड़ी के अंदर 4:08 हुए हैं, यानी कि अगर मैं 24 आवर्स के हिसाब से अगर देखूँ तो अभी मेरे सिस्टम में 16:09 हुए हैं। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 16:12, यानी कि मुझे चाहिए 4:12 पे बैकअप स्पेस हाइफन ऑल क्रिटिकल हाइफन क्वाइट एंटर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मेरा सीट बैकअप के अंदर बेयर मेटल की रिकवरी मेरी इंक्लूड होगी है, जिसके अंदर मेरा सी ड्राइव का बैकअप होगा, मेरे सिस्टम रिजर्व का बैकअप होगा, और जो बैकअप सेव होगा वो मेरी डी ड्राइव में सेव होगा, और जो बैकअप का जो टाइमिंग है वो है 4:16 का, और ये मेरा शेड्यूल इनेबल हो गया है। तो दोस्तों इस तरीके से आप शेड्यूल कर सकते हैं इसमें। अगर आप अपने सिस्टम में शेड्यूल चेक करना चाहते हैं कि शेड्यूल का टाइमिंग क्या है, तो आप कमांड टाइप करेंगे wp-admin स्पेस इनेबल स्पेस बैकअप एंटर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको शेड्यूल दिखा रहा है आपका 4:12 का। तो अभी मेरी घड़ी में 4:10 हुए हैं, मैं 4:14 पे आपको दिखाऊंगा कि मेरा जो बैकअप है वो बैकएंड पे कैसे रन हो रहा है, आप इसको यहाँ से कैसे चेक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों मेरी घड़ी में 4:15 हो गए हैं, अब मैं आपको चेक कराता हूँ कि बैकअप मेरा रन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मैं अभी कमांड टाइप करता हूँ wp-admin स्पेस गेट स्पेस स्टेटस। तो देखिए दोस्तों मुझे ये बता रहा है कि मेरा सी ड्राइव का 64% बैकअप हो चुका है, और ये दोस्तों ये जो बैकअप हो रहा है ये इंक्रीमेंटल बैकअप है, क्योंकि मैं इससे पहले बैकअप ले चुका हूँ। देखिए दोस्तों मेरा यहाँ पे बैकअप कंप्लीट हो गया है। दोस्तों अगर आप अपने शेड्यूल को कैंसिल करना चाहते हैं, जैसे मैं आपको एक बार चेक कराता हूँ यहाँ पे, यानी कि ये बैकअप मेरा कल 4:12 पे फिर से स्टार्ट होगा। मैं इस बैकअप को कैंसिल करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे कमांड टाइप करेंगे wp-admin स्पेस डिसेबल बैकअप हाइफन क्वाइट एंटर। मैं फिर से आपको बैकअप चेक कराता हूँ wp-admin स्पेस इनेबल बैकअप एंटर। देखिए मेरा कोई भी बैकअप करंटली शेड्यूल नहीं है। दोस्तों अगर आप मल्टीपल शेड्यूल लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। कमांड है wp-admin इनेबल बैकअप हाइफन vss फुल हाइफन एड टारगेट कॉलन डी हाइफन शेड्यूल कॉलन सुबह 9:00 कॉमा 11:50 पे कॉमा शाम को 6:00 हाइफन ऑल क्रिटिकल हाइफन क्वाइट एंटर। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये मेरा शेड्यूल लग गया है सुबह 9:00 का, 11:30 का और 18:00 का, यानी कि शाम को 6:00 का। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने सिस्टम के अंदर शेड्यूल बैकअप को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब मैं इस बैकअप को यहाँ से स्टॉप कर देता हूँ। दोस्तों मान लीजिए कि मैं यहाँ पे बैकअप लेता हूँ फिर से, और आपको उसे बीच में स्टॉप करके दिखाता हूँ। तो कमांड है wp-admin स्टार्ट बैकअप हाइफन
बैकअप टारगेट कॉल डी हाइफन ऑल क्रिटिकल हाइफन क्वाइट एंटर। दोस्तों आप इन कमांड्स की बैच फाइल भी बना सकते हैं, तो मैं आपको एक फाइल इसको स्टॉप करने के लिए एक बैच फाइल आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। तो मैंने राइट क्लिक करा न्यू टेक्स्ट फाइल, और टेक्स्ट फाइल के अंदर मैं लिखता हूँ WP एडमिन स्टॉप जॉब हाइफन क्वाइट फाइल सेव एस। आप यहाँ पे कोई भी नाम लिख सकते हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टॉप .bat। यहाँ पे आपको ऑल फाइल्स लिखना है, सेफ, इसको बंद कर देता हूँ। देखिए दोस्तों ये मेरा बैकअप चल रहा है, तो इसको स्टॉप करने का एक तो तरीका है कि आप अपने सिस्टम के अंदर एक नया डॉस ओपन करो और उसके ऊपर आप कमांड चला दो। अभी मैं इस बैच फाइल को रन कर देता हूँ, राइट क्लिक किया रन एज एडमिनिस्ट्रेटर यस। देखिए दोस्तों नया डॉस अपने आप ओपन हो गया और पुराने डॉस के ऊपर ऑप्शन आ गया कि यूज़र ने इस कमांड को कैंसिल कर दिया है। तो इस तरीके से आप अपने बैकअप को स्टॉप कर सकते हैं, और अगर आपका शेड्यूल मान लीजिए चल रहा है आप उसे रोकना चाहते हैं तब भी आप इस कमांड का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों डिलीट करने के लिए यहाँ पे कमांड होती है, तो उसके लिए आप उसे पहले आपके वर्जन देखने पड़ेंगे। WP admin गेट वर्जन्स। अब यहाँ पे मेरे सिस्टम में 3 बैकअप अवेलेबल हैं। एक मेरे पास 3:48 का बैकअप अवेलेबल है, एक बैकअप 4:01 का बैकअप अवेलेबल है, और एक बैकअप मेरे पास 4:12 का बैकअप अवेलेबल है। अब मुझे मान लीजिए ये वाला बैकअप नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से कमांड टाइप करूँगा WP admin डिलीट बैकअप हाइफन वर्जन कॉलन। दोस्तों वर्जन में आपको ये वाला आइडेंटिफायर यहाँ पे मेंशन करना है 04/20/2020-1042 space hyphen quiet enter। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको बता रहा है कि found 3 बैकअप हुए हैं, 2 रह जाएंगे आपके आफ्टर डिलीशन, और इसने यहाँ से एक बैकअप को डिलीट कर दिया। मैं आपको फिर से चेक कराता हूँ उसी कमांड को रन करके WP admin गेट वर्जन्स एंटर। देखिए दोस्तों आपके यहाँ पे सिर्फ 2 ही बैकअप रिमेनिंग रह गए हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप बैकअप ले सकते हैं डॉस का यूज करके, या बैच फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।